नमस्कार दोस्तों, कैसी है पब्लिक। आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं लॉरीज लैब शेयर के ऊपर। ओके, इस वीडियो हम लोग क्या बात करने वाले हैं पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं। इस वीडियो हम लोग बताने वाले हैं कि लॉरीज लैब शेयर जो प्राइस अभी चल रहा है, क्या ये राइट प्राइस इसको बाय करने का। और अगर आप लोग इसके चार्ट पे ध्यान दें तो ये शेयर करीब अभी कुछ दिन पहले तक अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये 400 से 500 रुपए के आसपास चल रहा था, और वहां से गिरता गिरता ये 318 रुपए के पास आ चुका है। क्या इसको बाय करने का राइट प्राइस है और इसके इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं, वो पूरी डिटेल में एनालिसिस करके बताने वाले आप लोगों को। ओके, सो अगर वीडियो में जो मैंने टॉपिक बताया ये आप में से आपको कोई भी एक टॉपिक बारे में जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो पूरे एंड तक बने रहिए। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम लोग पहले बताते हैं कि देखिए लगातार ये स्टॉक गिरने के बाद मार्केट स्टॉक ने क्या करा, यहाँ पे अपना बेस फॉर्म कर दिया। इस बेस के नीचे मार्केट क्या कर रहा, निकलने की कोशिश जाने की कोशिश तक नहीं कर रहा। एक बारी गया था बट हाई वॉल्यूम में, आप लोग देख सकते हैं कि दो बारी जाने की कोशिश करी बट दोनों बारी हाई वॉल्यूम में इसमें बाइंग आ चुकी है। ओके, सो हम लोग हो चुके हैं तो वैनिश आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पे बायर्स का मौका आ चुका है, मतलब बायर्स प्राइस को ऊपर जाने के लिए बेताब हो रहे हैं। ओके, सो हम लोग को किस प्राइस पे बाय करना चाहिए। देखिए जो लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हैं उनके लिए फर्स्ट मैं बताना चाहता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ आ रहा है। रेंज मार्केट ने एक रेंज बॉन्ड ट्रेड कर रहा है। ओके, ये देखिए रेंज बना के रखे, मार्केट इसी में इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा तब तक हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग। ओके, ट्रेड कब करेंगे, जब इसका ब्रेकआउट होगा। स्विंग ट्रेडर्स वाले इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट पे वेट कर सकते हैं, ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं। ओके, यही इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी स्ट्रेटेजी रहने वाली, बस इंट्राडे के लिए थोड़ी छोटे टाइम फ्रेम पे आके हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ओके, देखिए पहले स्विंग ट्रेडर्स का बताता हूँ। स्विंग ट्रेडर्स अगर इसको थोड़े कुछ दिनों के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो इन वो लोग यहाँ पे बाय करके अब इसको होल्ड कर सकते हैं अराउंड 387 रुपीज तक के टारगेट के साथ। ओके, और इसके अगर 387 निकालता है तो 400 टारगेट आराम से मिल सकता है ठीक अपकमिंग मंथ में। अब बात करते हैं हम लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अगर बात करें, देखिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हम लोग लगातार इसमें बाइंग दिख रही है। क्या दिख रही है, बाइंग दिख रही है। और अगर आप लोग एक चार्ट पैटर्न इसमें हम लोग को बनता हुआ शो हो रहा है, देखिए एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन दिख रहा है। देख सकते हैं आप लोग कितना तगड़ा असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन दिख रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन में होता क्या है, अपसाइड का जो लेवल होता है वो एक्जैक्टली सेम रहता है, वो स्टेबल रहता है, वो मूवमेंट नहीं देता है। बट नीचे की जो ट्रेंड लाइन होती है स्लो एंड स्टेडी अप मोमेंटम में होती है। देख सकते हैं एक्जैक्टली मार्केट ने वही करा है, हायर हाइस हायर लोज, हायर हाइस हायर लोज, न्यू हायर हाई एंड न्यू हायर लो। अब इसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट देगा हम लोग का एक ये हायर हाइस ब्रेकआउट हो जाएगा और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगी। ओके, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी हम लोग यहाँ एग्रेसिवली बाय नहीं करेंगे, एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट बाद जो ये वाला स्विंग टूटेगा, लास्ट स्विंग जो ये वाला होगा, इसके बाद हम लोग बाय करेंगे और टारगेट हम लोग 350 तक के टारगेट रख सकते हैं। ओके, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटेजी रहने वाली है। स्विंग ट्रेडर्स इन इन लेवल्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को मेनली फोकस कौन कौन से लेवल्स पर करना है। देखिए 326 का हम लोग का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, उसको मेनली फोकस में रखना है। जब तक 326 को ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हम लोग फ्रेश बाइंग नहीं करने वाले ठीक इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। अभी फिलहाल मैं स्टॉक में बुलिश हो रखा हूँ क्योंकि स्टॉक ये बहुत ही गिर चुका है और लगातार इस स्टॉक क्या कर रहा था, कंसोलिडेशन मोड फंसा हुआ था, इस रेंज में फंसा हुआ था, रेंज बाउंड मार्केट में। रेंज बाउंड मार्केट का अभी ये ब्रेकआउट देने पे आ चुका है, अगर ये ब्रेकआउट देता है हम लोग को तगड़े लेवल की बाइंग इसमें देखने को मिल सकती है। ओके, सो इस स्टॉक में नजर बना के रखिए, स्टॉक बहुत ही तगड़ा प्राइस आप लोग को अच्छा खासा पैसा दे सकता है। सो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कराए बगैर मत जाइएगा, बिकॉज हमारे चैनल पर जितने भी स्टॉक्स में लगातार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या कोई तगड़ा लेवल देखने को मिल रहा होता है हम लोग अपने चैनल पर उसको डिस्कशन करते हैं आके वीडियो के माध्यम से। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि आप लोग बिल्कुल स्टॉक मार्केट के कोई भी स्टॉक से वो लेवल्स के लैग ना कर पाए, सो हम लोग के चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगे, एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल फॉर डेली मार्केट अपडेट्स। थैंक यू फॉर गाइस।